कोरोना के चलते अंबाला के नागरिक अस्पताल की ओपीडी काफी समय से बंद थी, जिसके कारण मरीजों को काफी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा था। लेकिन अस्पताल प्रशासन ने अब ओपीडी सेवा शुरू कर दी है, जिससे मरीज काफी संतुष्ट नजर आ रहे हैं। वहीं अस्पताल के अंदर मरीजों में बिल्कुल भी सोशल डिस्टेंसिंग देखने को नहीं मिल रही। सीएमओ डॉक्टर सुखवीर ने बताया कि ओपीडी में रूटीन चेकअप, सर्जरी, ईएनटी, डेंटल, ऑर्थोपेडिक अन्य सेवाएं आरंभ हो गई हैं, जिसका समय 3 से 4 घंटे रहेगा। ओपीडी में चेकअप के बाद मरीज लैब में अपने टेस्ट करवा सकेगा। बता दें कि अंबाला में कोरोना ग्राफ बढ़ने के कारण नागरिक अस्पताल की ओपीडी को बंद कर दिया गया था, जिस वजह से मरीजों को काफी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा था। लेकिन अब आम जनता को थोड़ी राहत जरूर मिलेगी, क्योंकि अंबाला अस्पताल प्रशासन ने आज से मरीजों के लिए इलाज के लिए ओपीडी को खोलने का फैसला किया है। नागरिक अस्पताल में मरीजों के लिए सुबह 8 से 11 यानी 3 घंटे के लिए ओपीडी खोली जाएगी। ओपीडी शुरू होने के पहले ही दिन अंबाला के नागरिक अस्पताल में लोगों की काफी भीड़ देखने को मिल रही है। वहीं 2 महीने बाद ओपीडी शुरू होने से जनता खुश नजर आ रही है। दवाई लेने आई 60 वर्षीय श्यामो का कहना है कि ओपीडी बंद होने के कारण 2 महीने से दवाई नहीं ले पा रही थी। लॉकडाउन होने के कारण वह पैसा न होने के चलते वह प्राइवेट अस्पताल से इलाज नहीं करवा पाई, जिसके चलते वह बहुत परेशान थी। आज ओपीडी खुलने के पहले दिन ही वह दवाई लेने पहुंची है। वहीं एक अन्य मरीज ने बताया कि ओपीडी बंद होने के कारण कहीं भी ढंग से इलाज नहीं हो पा रहा था और उन्होंने खुद सुबह पर्ची कटवा कर दवाई ली है। इस दौरान कोई भी दिक्कत नहीं आई है। आज दवाई लेने के लिए आई हूँ। 2 महीने से दवाई मिली नहीं थी, हम प्राइवेट में ले नहीं सकते, पैसा हमारे पास है नहीं था, लॉकडाउन लगा हुआ है। आज से मुझे दवाई मिलेगी, मैं बहुत परेशान थी। दवाई से मैडम से 18 नंबर वाली मैडम मुझे दवाई लिख देती है और मैं खा लेती हूँ, और दवाई से मैं परेशान हूँ। बहुत फ़ायदा मिलेगा जनता को, बहुत सहूलियत है जनता की और बहुत दवाई अच्छे से मिल रही है हमें, क्योंकि हम लॉकडाउन लगा था जब से 2 महीने से मैं दवाई नहीं ली। आज मैं दवाई लेके जाऊंगी, आज ये ओपीडी खुली है। कल हमारे डीजीएचएस हेल्थ के आदेशानुसार आज से हमारी नॉर्मल ओपीडी, रूटीन ओपीडी स्टार्ट करने की। आज से हमने मेडिसिन, पीडियाट्रिक्स मेडिसिन, ऑर्थोपेडिक्स, सर्जरी, जनरल सर्जरी, IENT और डेंटल ओपीडी, लगभग सभी ओपीडी स्टार्ट कर दी हैं जी। और अभी फ़िलहाल हमने लगभग 11, 11:30 बजे तक ओपीडी चलाएंगे। 11 बजे तक ओपीडी की जो स्लिप बनेगी और 12 बजे तक ओपीडी चलेगी जी। सर कितना फ़ायदा देखिए, आप सभी को पता है कि लास्ट 1 वीक से जो कोविड के केसेज हैं उन लगातार कम होते जा रहे हैं, काफ़ी कम हो गए हैं। इसलिए हमने DGHS हेल्थ के आदेशानुसार आज से ओपीडी स्टार्ट कर दी। सर जैसे कोरोना काल चल रहा है, सर क्या कुछ एहतियात बरती जाएगी सर ओपीडी में, ताकि जनता इफेक्टिव ओपीडी में? जैसे पहले से ही आपको भी गीत है, मेन तो सोशल डिस्टेंसिंग, जो भी पेशेंट आएंगे स्लिप बनवाएंगे या तो ओपीडी में आएंगे, 2 गज की दूर डिस्टेंस, सोशल डिस्टेंसिंग रखेंगे, विदाउट मास्क किसी को अलाउड नहीं होगा। खबरनामा हरियाणा के लिए अम्बाला से पारुल गर्ग की रिपोर्ट।